गुड मॉर्निंग. टुडे आवर टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म. इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट होमोजेनियस इक्वेशंस. एन इक्वेशन x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन एक्स एन माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन y अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. वेयर पी वन पी टू पी एन आर कॉन्स्टेंट एंड क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन. हमने इनको सॉल्व किया था. x इज इक्वल टू e की पावर z पुट करके हमने होमोजीनियस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट में कन्वर्ट किया था. उसके पश्चात जिस तरह से हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट सॉल्व की है उन्हीं मेथड का यूज करते हुए हमने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया था. आज हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है लेकिन उनको हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करके और फिर जिस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं वैसे ही वही प्रोसीजर हम इन इक्वेशंस में अपनाएंगे. तो इसके लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं a प्लस बी एक्स की पावर होल पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन इंटू ए प्लस बी एक्स की होल पावर n माइनस वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. यहाँ पे पी वन पी टू जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और क्यू एक्स जो है वो x का कोई फंक्शन है. यहाँ आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशंस को और इस तरह की इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं कि x की पावर n की जगह हमारे पास a प्लस बी एक्स की पावर की होल पावर n है. यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है यहाँ पे a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन है. तो इस तरह की इक्वेशंस को हम होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करने के लिए चेंज करेंगे सबसे पहले. तो इसको चेंज करने के लिए हम a प्लस बी एक्स की जगह v पुट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा b इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स और dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx. तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है b है तो इस dv अपॉन dx की जगह हम क्या पुट कर देते हैं b और dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिलती है b इंटू dy अपॉन dv. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स और डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है वी इंटू डीवाई अपॉन डी वी. इसको हम यहाँ पुट करते हैं और इसका फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वी स्क्वायर मिलता है. इसी तरह से हम डी एन वाई अपॉन डी एक्स का मान भी निकाल सकते हैं और वो मान में हमें मिलता है बी की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन. पुट दी वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इन इक्वेशन वन. वन में हम इन सब की वैल्यूज जब पुट कर देते हैं तो इक्वेशन की फॉर्म हमें इस तरह से मिलती है वी एन बी एन डी एन वाई अपॉन डी वी एन प्लस ए वन वी एन माइनस वन बी एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. तो एक्स की जगह अब हमारे पास क्या हो गया वी माइनस ए अपॉन वी क्योंकि हमने ए एक्स प्लस बी को क्या माना था वी माना था. अब हम इस इक्वेशन में बी एन से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन में की फॉर्म हमें इस तरह से मिलती है. अब आप इसको देखिए वी एन वी की पावर एन ए वन अपॉन बी क्योंकि बी कांस्टेंट है तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी एक कांस्टेंट हो जाएगी. इस तरह ए एन माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन की वैल्यू
कांस्टेंट हो जाएगी। तो यानी अब जो हमें इक्वेशन मिली है वो होमोजेनियस इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए v इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड लेते हैं और डी वाई अपॉन डी वी डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी वी एन माइनस वन और डी एन वाई अपॉन डी वी की पावर एन की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन चेंजिंग जो इक्वेशन है वो मिलती है डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस एन प्लस वन वाई प्लस ए वन अपॉन बी डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस एन प्लस टू वाई प्लस सो ऑन। तो इस तरह से हमें इक्वेशन चेंज होकर जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिलती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशंस हम आज पढ़ रहे हैं ए प्लस बी एक्स कोएफिशिएंट वाली है एक तरह से ये, तो इन इक्वेशंस को डायरेक्ट हम ए प्लस बी एक्स की जगह ई की पावर जेड पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी जेड प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं एक्स प्लस ए की जगह ई की पावर जेड और आप कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डी इंटू डी माइनस वन माइनस फोर डी प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस ए। यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो एक्चुअली क्या है डी अपॉन डी जेड है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो सिंप्लीफिकेशन में हमें इक्वेशन मिलती है वो है डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस ए। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एम इसके फैक्टर कीजिए और फैक्टर करने के बाद हमें एम के दो रूट मिलते हैं, एक एम इज इक्वल टू टू और एक एम इज इक्वल टू थ्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन ए की पावर टू जेड प्लस सी टू ए की पावर थ्री जेड और जेड हमारा क्या था जेड की वैल्यू थी ए की पावर जेड की वैल्यू क्या थी एक्स की एक्स प्लस ए। तो यहाँ ए की पावर टू जेड है तो सी वन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम पीआई की बात करते हैं कि पीआई कैसे निकालेंगे। तो पीआई का फॉर्मूला है वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो क्यू की जगह अब एफ जेड वाली फंक्शन है हमारे पास क्योंकि डी इज इक्वल टू डी अपॉन जेड डी जेड है तो वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू ए की पावर जेड माइनस ए। इन दोनों इनसे हम मल्टीप्लाई करके इनको अलग अलग कर लेते हैं तो जो सेकंड टर्म में वहां ओनली ए है तो वन की जगह हम ए की पावर जीरो इंटू जेड पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर जेड क्योंकि अब इसका क्या होता है ई वन अपॉन एफ ए या तो क्या हो जाएगा ए की जगह वन है तो ए की पावर जेड वन अपॉन वन माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस ए इंटू वन अपॉन जीरो माइनस फाइव डॉट जीरो प्लस सिक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो मिलता है ए की पावर जेड अपॉन टू माइनस ए बाई सिक्स और ए की पावर जेड की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस ए हमने पुट करी थी तो हमारा पी आई आ जाता है एक्स प्लस ए अपॉन टू माइनस ए बाई सिक्स। तो वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई और यहाँ सी एफ और पी आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं और इस तरह से हमें हम जो है दी हुई इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर। दिस इज क्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का फंक्शन है, ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में यानी इसको हमें रिड्यूस करना है
और डायरेक्ट हम क्या पुट करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर z, जहां d जो है वो dy, d अपॉन डी जेड है। तो ये पुट करने पर जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बिकम हो जाती है, d इंटू डी माइनस वन प्लस डी इंटू वाई, और यहाँ देखिए 2x प्लस थ्री है, उसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस टू प्लस वन, और 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन, और x प्लस वन की वैल्यू हमने क्या पुट की है, e की पावर z, तो 2 इंटू e की पावर z प्लस वन, और जो सेकेंड टर्म है 2x प्लस फोर, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस टू प्लस टू, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वन प्लस टू, तो 2 e की पावर z प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आती है वो आती है डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए की पावर जेड प्लस वन, टू इंटू ए की पावर जेड प्लस टू। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एम की दो वैल्यूज आएंगी जीरो और जीरो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन प्लस सी टू जेड ए की पावर जीरो डॉट जेड, और c1 वन प्लस सी टू जेड, क्या था हमारे पास c1 वन प्लस सी टू लॉग वन प्लस एक्स, तो इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब pi इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर, और क्यू एक्स की जगह हमारे पास ये चीज है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो वन अपॉन डी स्क्वायर फोर इंटू ई की पावर टू जेड प्लस सिक्स ई की पावर जेड प्लस टू, और फिर हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व करेंगे तो 4 e की पावर 2z, तो इसका तो क्या हो जाएगा 4 e की पावर 2z 2 स्क्वायर, और इसका 6 e की पावर z और 12, क्योंकि यहाँ a की जगह 1 है और यहाँ a की जगह 2 है, लेकिन 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू 2 है ये, तो क्या हो जाएगा, ये मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है हमको, तो एक बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो जेड आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और टर्म मिलेगी जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई की पावर टू जेड प्लस सिक्स ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्वायर, ई की पावर जेड की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें ये हमारा पी आई हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन प्लस लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जनरल सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ और पी आई की वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो हमें ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन जिनको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। एट लास्ट हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करना होता है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिन मेथड्स का हमने यूज किया है पीआई निकालने में, उनका यूज करते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।